हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को आज क्वांटिटीज के बारे में बताया था, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर के बारे में कुछ एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं। ज़्यादातर एंगल ना मेजर करने की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्वांटिटीज दो हैं, स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, और इसमें एक तीसरी क्वांटिटीज आ जाती है, उसको टेंसर क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज उस क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज एक होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास केवल डायरेक्शंस होता है। स्केलर्स की कुछ एग्जांपल्स आप देखो तो, जैसे कि डिस्टेंस हो गया आपका, टाइम हो गया, पावर हो गया, और तमाम है। उसी तरह से वेक्टर्स का आप देखो तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, तमाम इसमें। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गए, स्केलर क्वांटिटीज हो गए। एक थर्ड क्वांटिटी आती है टेंसर। टेंसर वो तो ना वेक्टर है ना ही स्केलर है। टेंसर को टेंसर बोल क्यों दिया जाता है? टेंसर को इसलिए टेंसर बोल दिया जाता है, हालांकि मैंने एक आध वीडियो में आपका जिक्र किया है, हालांकि यहाँ पे फिर थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसकी जो वैल्यू, इसको स्केलर क्यों नहीं बोला जाता है? टेंसर को स्केलर इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। एक ही क्वांटिटीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है इससे। और वेक्टर क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि ये इसका डायरेक्शन भी कोई डिसाइड नहीं, वैल्यू भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी नहीं है, इसलिए ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर है। जिससे आप अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें, ये भी एक टेंसर क्वांटिटीज है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया किसी का, रिंग हो गया, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क ले लो, कुछ भी ले लो, एक यहाँ पे रिंग हो गया। तो रिंग की अगर सेंटर से पास कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और अगर डायमेट्रिक या टेंजेंशियल एक्सिस से पास कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है। तो यहाँ पे आई और आई डैश इक्वल नहीं है, क्वांटिटी वही है, मास वही है इसका, और इसका रेडियस भी, रेडियस से अगर वो देखें तो रेडियस भी वही है, लेकिन फिर भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे कि स्केलर नहीं है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही क्वांटिटी का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता कि सेंस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी क्या है। मान लीजिए क्लॉक वाइज जब एंटी क्लॉक मूव कर रही बॉडी, तो इसका आई वन है, और एंटी क्लॉक वाइज के बाद अगर इसको क्लॉक वाइज मूव करा दे बॉडी को, क्लॉक वाइज मूव कराएंगे तो I2 है। तो हमने पाया कि I1 equals to I2, सेंस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं किया। क्लॉक वाइज मूव कराओ, एंटी क्लॉक वाइज मूव कराओ, वैल्यू उसकी एक एक्सिस के अलोंग सेम ही आती है, इसलिए ए वेक्टर ही नहीं, इसलिए इसको थर्ड में टेंसर में रख दिया जाता है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर्स, आइए हम लोग वेक्टर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेक्टर्स आखिर में होता क्या है? वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर्स के बाद सभी, जैसा कि आपने, मैंने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होंगे। तो वेक्टर्स सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं वेक्टर्स कुछ है, वेक्टर्स एडिशन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है,
लॉ ऑफ वेक्टर क्या करता है, वेक्टर कम्यूटेट, वेक्टर एडिशन या वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो वेक्टर के कुछ लॉ होते हैं, उसको कौन कौन फॉलो करते हैं कौन नहीं फॉलो, स्केलर क्वांटिटीज कुछ हैं जो नहीं फॉलो करती, कुछ का पूरी नहीं फॉलो करती है, वेक्टर क्वांटिटीज में सभी वेक्टर को फॉलो करती है, उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ है, उसको वेक्टर के कौन एडिशन फॉलो करता है कि सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, ये सब यहाँ पे स्टडी करें। सबसे पहले वेक्टर से हम लोग ये देखें, इसका पहले एंगल मेजरमेंट, ज्यादातर बच्चों की यही दिक्कत होती है, एंगल सही से ध्यान नहीं देते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन प्रॉब्लम का। एंगल मेजरमेंट कहते हैं, तो एंगल मेजरमेंट का ये बात केवल ध्यान रखना है, एंगल केवल हेड टू हेड मेजर किया जाता है, एंगल केवल हेड टू हेड मेजर किया जाता है या टेल टू टेल, टेल टू टेल, ऐसा कभी नहीं मेजर किया जाएगा कि एक वेक्टर का हेड ले लें और दूसरे का टेल ले लें, हेड और टेल मिला के हम मेजर करें, तो ऐसा एंगल जो मेजर करोगे ये इनवैलिड एंगल होगा। ये अगर वैलिड एंगल वेक्टर में मेजर करना है तो ये देखना पड़ेगा कि जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं उसके हेड टू हेड मेजर कर रहे हैं या फिर टेल टू टेल मेजर कर रहे हैं। अगर हेड टू हेड या टेल टू टेल मेजर करेंगे तभी उस एंगल को वैलिड एंगल बोलेंगे, और हेड टू टेल मेजर करेंगे तो वो एंगल वैलिड नहीं होगा। अभी इसका मतलब समझ में आएगा, हेड टू टेल क्या होता है, एक वेक्टर का ये नोटेशन होता है, तो इस नोटेशन जो एरो है इसका नुकीला एरो है पॉइंटेड एरो, इसको हेड बोल देते हैं और ये जो है इसको टेल बोल देते हैं, ठीक है, ये वेक्टर का नोटेशन है। तो आइए मेजर करते हैं कौन सा एंगल वैलिड है कौन इनवैलिड एंगल है, वैलिड इनवैलिड एंगल आ गया तो फिर आगे वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर हालांकि कोई क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ये वेक्टर का नोटेशन, इसको बोलते हैं वेक्टर ए, और ये क्वांटिटी वेक्टर बी हो गई, ठीक है, ये एंगल दिया है थीटा, ठीक। अब देखो यहां जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच एंगल है, ए का हेड है बी का टेल है, और हेड टू टेल एंगल क्या होता है, इनवैलिड होता है, वेक्टर में हेड टू टेल एंगल जो है वो इनवैलिड एंगल है, तो फिर वैलिड एंगल इसका कैसे मेजर करेंगे, ए बी का वैलिड एंगल कुछ नहीं, बस इस क्वांटिटीज को जो भी, अच्छा वेक्टर को एक और बात है, ये वेक्टर हो गया मान लो ये हेड हो गया ये टेल हो गया, तो वेक्टर को उसका डायरेक्शन चेंज किए बिना, इस वेक्टर जैसे ये वेक्टर हो गया तो इसको हम ऊपर ले जाए नीचे ले जाए आगे ले जाए पीछे ले जाए, इस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये वेक्टर है ऐसे करके ऊपर ले जाए नहीं, डायरेक्शन क्यों चेंज किए नीचे ऐसे नहीं, जिस तरह से वेक्टर है उसी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ वेक्टर पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे वैलिड एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, आइदर वेक्टर ए को आगे बढ़ा दो, ये डॉटेड लाइन आगे बढ़ गई, तो अब ये जो एंगल होगा थीटा डैश ये क्या होगा, ये वैलिड एंगल बोला जाएगा वेक्टर के लिए, थीटा डैश वैलिड एंगल बोला जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं कर क्या करें, एक और होता सकता है तरीका, ये बी को क्या पीछे कर दो, तो ये बी को ऐसे पीछे कर दिया यहां इसका हेड हो गया, तो अब ये जो एंगल है थीटा डैश ये भी कौन सा एंगल है, वैलिड एंगल ही है, ठीक, तो वैलिड इनवैलिड एंगल। और कुछ क्वांटिटीज देखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल बन गया वेक्टर का, एक ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब 60 डिग्री होता है, वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, इक्विलेटरल मतलब सब आर्म सेम है एंगल 60 डिग्री होता है। अब ए बी बी सी
या सी ए, इन तीनों के बीच अगर हम वैलिड एंगल की बात किया जाए, कौन वैलिड एंगल होगा, तो इसकी वैलिडिटी ऐसे चेक करो। देखो पहले यही देखते हैं, यहां सी का क्या है, हेड है, लेकिन ए का टेल है। सी के हेड से ए के टेल के बीच बना हुआ एंगल वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसका वैलिड एंगल कैसे बनेगा, या तो सी को उसके डायरेक्शन बिना इफेक्ट किए हुए, बिना चेंज किए हुए आगे बढ़ा दो, या ए को पीछे लेके आओ। तो ऐसे मैंने सी को आगे बढ़ा देता हूं। तो अब ये जो एंगल है थीटा डैश, ये कैसा एंगल है, ये हो गया एंगल वैलिड एंगल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ए बी के बीच का एंगल, बी का टेल है ए का हेड है, ये भी वैलिड नहीं है। तो या तो ए को आगे बढ़ा दो या बी को पीछे ले आओ। मान लो मैंने ए को ऐसे आगे बढ़ा दिया, आगे जब बढ़ा दिया, जहां तक बढ़ाया इसका टेल यहाँ पहुंच गया, हेड आगे हो गया। तो अब टेल टू टेल है यहाँ पे, तो टेल टू टेल एंगल भी क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। सी में देखते हैं, सी बी के बीच में, सी बी के बीच में सी का टेल है और बी का हेड है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करके आगे बढ़ा देते हैं। तो अब ये आगे बढ़ाएंगे तो इसका बी का जो हेड है आगे चला जाएगा, टेल यहाँ पे पहुंच गया। अब ये एंगल जो थीटा है, ये कैसा एंगल है थीटा डैश, ये भी वैलिड एंगल है। तो एंगल कैसे वैलिड होता है, कौन इनवैलिड एंगल है, ये आपको पहचान लेंगे। उसके बाद आगे कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे एडिशन में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन रखोगे, ये वैलिड वाला एंगल रखोगे, ठीक है। या फिर और आता है कॉस थीटा, कोई भी थीटा जहां भी आए, कॉस थीटा नहीं जो कहीं भी आए, मतलब इसमें वेक्टर में आपका, तो वैलिड एंगल ही वहां पे रखोगे। वैलिड एंगल मैंने बता दिया, मेजर हेड टू हेड या टेल टू टेल मेजर का, ठीक है।